अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। समस्या लेकर अभी आप देवास एसपी साहब के पास आए थे, इसलिए आया कि मेरे लड़के ने मुझे मारी और घर से बाहर निकाल दिया, हिस्सा चाह रहा, उसको गला दबा दिया, अलग किराए से रहता था, वो मेरे घर में आके घुस गया, तो उसका सारा बाजे भोंगे सब मेरे घर के अंदर रख दिए पीछे के बीच में और ऊपर रह गया। कहाँ पे रहते हो आप? मल्लार कॉलोनी। क्या नाम है आपके बेटे का? रफीक मुन्ना और रफीक। पहले भी विवाद हुआ था कि आज भी विवाद करा? पहले भी कई बार सेम गली में ना सब अभी तो 2-3-8 दिन से बहुत परेशान। कब से घर से अलग रह रहे थे आपके बालक? मैं 8 दिन से दूसरे के घर रह रही हूँ। नहीं, आपका बेटा कब से नहीं आया था घर? अब कब आए? वो मेरा बेटा तो अलग ही रहता था। अच्छा, आप क्या कहना पड़ रही है उनका? वो हिस्सा मांग रहा है, इनको घर से निकाल। आप थाने पे गए, पुलिस के पास गए? आप गई थी? क्या बोला पुलिस? नहीं हुई, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। एसपी साहब क्या बोला आपको? साहब क्या बोले? मैं चढ़ने नहीं पाती ना, दिखता नहीं है नंबरों पर। अच्छा, इसने लड़की ने 2-2 ऑपरेशन करवाए, मैं मेरी सेवा करने को मैंने इसको मेरे पास रखी थी। अच्छा, तो इसको मारने की काटने की धमकी दे दी। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा मकबूल। हाँ। भी कहाँ रहते हो आप? मल्लार कॉलोनी। आप एसपी कार्यालय आए थे, क्या समस्या लेकर आप साहब से मिले? अभी मैं ऑनलाइन तो गई थी एक आवेदन बनवाने, तो मुझे मकबूल भी मिले, फिर रो रहे थे तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है और मकान मेरा खुद का है और वो बोल रहा है कि वो रहेगा और इनको बाहर निकाल दिया है। क्या किया हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है? तो अभी एसपी साहब के पास में लेके आए, एसपी साहब ने औद्योगिक थाने पर फ़ोन लगा दिया क्योंकि मैटर उधर का है, तो एसपी साहब ने तुरंत फ़ोन किया है अपने बाथरूम सर में और वहाँ पर अभी इनको थाने पर बुलाया है, तुरंत इनके साथ फोर्स जाएगी और इन्हें उनका घर दिलवाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। आपका नाम? रानी सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और PLBP हूँ मैं अपने विधिक सहायता में, तो इसलिए महिलाओं की मदद करना मेरा फर्ज बनता है।